चलिए, और कैसे हैं भाई सब? सब अच्छे हैं? चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है कि इंटीग्रल ऑफ टाइप ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स अपॉन ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स एंड डीएक्स अपॉन ए प्लस या फिर ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स या फिर डी एक्स अपॉन ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी, ये हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देख लिया है। ठीक है, आज जो मैं टाइप नया टाइप लेने जा रहा हूँ, जहाँ पर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला का थोड़ा हेल्प लगेगा, आई थिंक आप लोगों ने लर्न किया होगा पहले, है ना? अगर लर्न किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर लर्न नहीं किया है तो आप लोग प्लीज़ लर्न कर लें, है ना? तो हाफ एंगल फॉर्मूला, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि साइन एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, एंड कॉस एक्स का भी आपका हाफ एंगल फॉर्मूला होता है, टेन एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है, तो ये हाफ एंगल फॉर्मूला कौन सा है? ठीक है, आप लोगों को ऑलरेडी याद होगा, अगर कॉस टू एक्स का फॉर्मूला मैंने बताया था आप लोगों को कि कॉस टू एक्स इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, ओके, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, या फिर वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, है ना? ये आपका डबल एंगल में, मतलब फुल एंगल में, ओके। अब अगर मैं बात करूँ, उसको हाफ एंगल में कन्वर्ट किया था मैंने, तो थोड़ा सा यहाँ, क्योंकि यहाँ पर जो आज हम लोग जो टाइप पढ़ने जा रहे हैं तो वहाँ पर उसका काफ़ी यूज आने वाला है, वो हाफ एंगल फॉर्मूले का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने लर्न किया हुआ होगा पहले से, और जिसने लर्न नहीं किया होगा तो प्लीज़ आज कम से कम ये जाके घर पे लर्न करना, घर पे मतलब भी घर पे ही बैठे हो, है ना, कोरोना के चक्कर में, तो प्लीज़ घर में थोड़ा सा बैठ के थोड़ा सा वो स्टडी कर लो जो भी है, क्योंकि यहाँ से मैं आपको कुछ बोल भी नहीं पाऊँगा मैं, है ना, कि भाई बेटा पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, आप सुनने वाले थोड़ी हो। चलिए ध्यान देंगे, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सपोज कॉस टू एक्स, या कॉस टू एक्स इक्वल टू क्या लिखा आपने, आपको पता होगा कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स था, और वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स है बेटा, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन एंड वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब इसी को अगर मैं हाफ एंगल में कन्वर्ट करूँ, है ना, तो कॉस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ध्यान देंगे, यहां पर 2x था तो यहां पर आपने x लिखा, तो cos x इक्वल टू क्या लिखोगे आप, कि cos स्क्वायर x बाय टू माइनस साइन स्क्वायर x बाय टू, वन माइनस टू साइन स्क्वायर x बाय टू, टू cos स्क्वायर x बाय टू माइनस वन, एंड और क्या आ जाएगा बेटी भाई आपका टेन के फॉर्म में, वन माइनस टेन स्क्वायर x बाय टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर x बाय टू। ठीक है, चलो आज जो मैं इंटीग्रल ऑफ टाइप पढ़ने जा रहा हूँ, है ना, तो जो वहाँ पर कुछ यूज में आने वाला है, एक और आपको मैं लिख देता हूँ, साइन एक्स का फॉर्मूला जो होता है हाफ एंगल में, टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, और टेन के फॉर्म में टू टेन एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ओके, तो ये आपको लर्न रखना है, ठीक है, और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, जो अपने को जो हथियार यूज में लाना है, तो वो है आपका कि कॉस एक्स इक्वल टू वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू, ये अपने यूज में आने वाला है, एंड साइन एक्स इक्वल टू टू टेन, जस्ट कुछ मिनटों के बाद ही मैं पूछने वाला हूँ ये चीज़ें आप लोगों से। ओके, तो ये दो फॉर्मूला आप लोगों को लर्न होना चाहिए अभी फिलहाल, विद इन 1 मिनट आपके पास टाइम है, लर्न कर ले, तब तक मैं आप लोगों को टाइप्स मैं समझा दूं जरा। ठीक है, चले तो हेडिंग डाल देंगे इंटीग्रल ऑफ टाइप, हेडिंग डाल दीजिएगा इंटीग्रल ऑफ टाइप ए प्लस बी साइन एक्स एंड ए प्लस बी कॉस एक्स एंड ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स या फिर ए प्लस बी साइन एक्स प्लस सी कॉस एक्स,
तो भाई साहब इतने टाइप्स के प्रॉब्लम को आज मैं डील कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, डिस्कस करने वाला हूँ। इंटीग्रल ऑफ टाइप ये आ जाए या फिर ये फॉर्मेट आ जाए, या ये फॉर्मेट है या ये फॉर्मेट है, ठीक है। तो करना क्या है इस प्रॉब्लम में, कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, कैसे करना है ना, तो थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। जब भी प्रॉब्लम में आपको ऐसे फॉर्मेट अगर दिया जाए, तो पहला नंबर वन, स्टेप नंबर वन जो मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को याद रखने के लिए, ठीक है, तो वो है आपका कि साइन एक्स दिख जाए या कॉस एक्स दिखे, तो साइन एक्स को आपको रिप्लेस करना है, साइन एक्स रिप्लेस्ड बाय हाफ एंगल फॉर्मूला विथ टेन एक्स, है ना। तो क्या लिखोगे, टू टेन एक्स बाय टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू, मतलब साइन एक्स को इनसे रिप्लेस करना है एंड कॉस एक्स को जो रिप्लेस करना है, कॉस एक्स रिप्लेस्ड बाई, अगर साइन एक्स दिया जाए तो उनको आप इनसे रिप्लेस करोगे, अगर कॉस एक्स दिया जाए तो आप रिप्लेस करोगे वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू, मतलब ये आपका पहला स्टेप है, आपको पहले ये काम करना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है बेटा, जब आपने ये रिप्लेस कर दिया, तो रिप्लेस करने के बाद आपका सपोज मैंने यहां पे ये लिख लिया, ठीक है, ये आपने यहां पे लिख दिया, रिप्लेस करने के बाद आपका ऊपर में तो डीएक्स बच रहा है ना। अब यहां पे मैं क्या करूं, उसके बाद सर स्टेप नंबर टू में आपका आता है, जब आप रिप्लेस कर दोगे तो अगर साइन रहा तो ये आएगा, कॉस रहा तो ये रहा, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में टेन आने वाला है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि स्टेप नंबर टू में आपका जो भी पार्ट रिप्लेस करने के बाद मिलेगा वहां पर आपको टेन एक्स बाय टू मिलेगा, तो उसमें आपको क्या करना है, टेन एक्स बाय टू को आपको पुट करना है टी, आप बोल देना कि टेन एक्स बाय टू इज इक्वल टू टी, ओके। जब आपने इसको टी बोल दिया, अब ध्यान देना बेटा, अब ये टी इसलिए बोला है क्योंकि आपको डीएक्स को भी रिप्लेस करना पड़ेगा, है ना। तो टेन एक्स को अगर टेन एक्स बाय टू को अगर आपने टी बोल दिया, तो डेरिवेटिव ऑफ टेन थीटा क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर एक्स बाय टू, ओके। नाउ डेरिवेटिव ऑफ एक्स बाय टू मतलब एक्स बाय टू का डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स वन, तो बच जाएगा आपको वन बाय टू, डीएक्स इक्वल टू डीटी, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए, ओके। अब यहां पे बेटा टू को मैं अगर उधर भेज दूं तो क्या लिखोगे आप, सेक स्क्वायर एक्स बाय टू डी एक्स इज इक्वल टू टू डी टी, देखो तो क्या हो रहा है, ये इधर गया है ना। अब आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं भाई कि सर सेक स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, थीटा प्लस पे एक्स बाय टू है, ओके, डीएक्स इक्वल टू टू डी टी, कोई दिक्कत नहीं सर। अब सर क्या मैं इसको यहां से धक्का मार दूं, क्योंकि डीएक्स रिप्लेस करना है, तो डीएक्स रिप्लेस हो जाएगा आपका टू डी टी अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू, ये बिल्कुल एच टी नीचे आ गया चरणों में। नाउ यहां से मैं लिख दूंगा डीएक्स इज इक्वल टू टू डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि इसको मैंने टी बोला हुआ है, मतलब जब भी प्रॉब्लम में कभी ऐसा दिखे तो पहला स्टेप तो ये करना है, साइन एक्स को रिप्लेस करना है टू टेन एक्स बाय टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू, दूसरा स्टेप बोला गया है कॉस एक्स रिप्लेस्ड बाय वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू, उसके बाद आपका पूरे प्रॉब्लम में टेन एक्स दिखेगा, उसको आपको टी बोलना है, और इसमें आपको डीएक्स रिप्लेस हो जाएगा आपका टू डी टी अपॉन वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। तो ये आपको लर्न नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है और आपको ऐसे निकालना है एग्जाम में, ठीक है। अब नाउ स्टेप नंबर थ्री, स्टेप नंबर थ्री में जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने के बाद स्टेप नंबर थ्री आपका बचेगा, प्रॉब्लम आपका कन्वर्ट हो जाएगा, डीएक्स तो रिप्लेस हो जाएगा आपका टू डी टी अपॉन इससे, ठीक है, और ये आपका साइन एक्स रिप्लेस हो जाएगा इनसे, तो पूरा प्रॉब्लम आपका कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, एक दूसरे फॉर्म में, अनदर फॉर्म में आपका हो सकता है प्रॉब्लम आपका कन्वर्ट हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में, या फिर आपका प्रॉब्लम कन्वर्ट हो जाए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, या फिर प्रॉब्लम आपका कन्वर्ट हो जाए वन अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, ठीक है, ओके बेटा। तो इन सभी फॉर्मेट में जो है आपका प्रॉब्लम ये कन्वर्ट होगा, और उसके बाद का टाइप्स तो आपको सॉल्व करना आता ही है, ठीक है। चलिए अब आपको मेथड लिखना था, स्टेप नंबर वन आपने ये लिखा, स्टेप नंबर टू, उसका फिर आपका प्रॉब्लम कन्वर्ट हो जाएगा इन तीनों फॉर्म के फॉर्म में, किसी एक फॉर्म में वो कन्वर्ट होगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन लिखेंगे, हाँ
कुछ लिखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स अपॉन 4 + 5 sin x, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स अपॉन 4 + 5 sin x. आपको ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो पहला स्टेप नंबर 1 जो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि साइन एक्स रिप्लेस्ड बाई 2 tan x / 2 upon 1 + tan² x / 2. तो पहली चीज़ तो आप वो कर दो, है ना, कि साइन एक्स को अगर आपको रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस कर दीजिए पहले, है ना. तो रिप्लेस करने पे क्या मिल जाएगा आपका, तो डी एक्स तो आपका बिल्कुल सेम रहेगा. ओके, साइन एक्स रिप्लेस्ड बाई क्या हो जाएगा बेटा, 2 tan x / 2 upon 1 + tan² x / 2. ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है. उसके बाद मैंने क्या बोला था आपको, टेन एक्स को टेन एक्स बाई टू को टी पुट करना है ना. जब टेन एक्स बाई टू को आप टी पुट करोगे तो इसको टी पुट करने के बाद रिजल्ट आपको याद होगा तो डी एक्स इक्वल टू आया था आपका 2 dt upon 1 + t² आया था, याद आया. ओके, अब मैं यहां पर आ रहा हूं फ्रॉम क्वेश्चन से, है ना. तो डी एक्स को रिप्लेस कर दिया मैंने 2 dt upon 1 + t² 4 + 5 × 2 tan. ओके, टेन टी अपॉन 1 + t². अब प्रॉब्लम को अगर मैं सॉल्व करूं यहां पे सिंप्लीफाई करूं तो प्रॉब्लम आपका जो बन रहा है, ध्यान दें बेटा, 2 dt upon 1 + t² सिंप्लीफाई कर लेते, ये इधर आ जाएगा भाई, तो 4 + 4t² + 10t upon 1 + t² ये और ये कैंसिल हो जाएगा आपका. ओके, है ना. और क्या मिल गया आपका, 2 dt upon 4t² + 10t + 4. अब बेटा यहां से 2 अगर मैं कॉमन निकालूं तो 2 कॉमन निकालने के बाद आपका कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कैंसिल कर देना उसके बाद, है ना. तो कैंसिल करने में क्या मिल जाएगा आपका, 2t² + 5t + 2. बिल्कुल ये प्रॉब्लम आपका कन्वर्ट हो गया इंटीग्रल ऑफ टाइप 1 upon ax² + bx + c. जिसने पहले पाप किया होगा तो वही तुम पापी कहलाओगे, आप कुछ नहीं कर सकते हो. इससे पहले मैंने बहुत काफ़ी प्रॉब्लम करा दी इस टाइप पे, है ना. तो अब ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर मेथड से. तो क्या लिखेंगे बताइए जरा, क्या लिखोगे बेटा इसको जरा बताओ, dt upon, हाँ इसको मैं क्या लिख दूंगा, 2t² को मैं क्या लिखूंगा, √2t² का मतलब a² हो गया, +2 a मतलब √2t. अब b कितना होगा भाई, अपने को 5t लाना है, इसका मतलब यहां पर जो होगा वो क्या होगा, 5 upon 2√2 होगा भाई, ठीक है. ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 5t, तो a² + 2ab + b² अगर मैं करूं तो प्लस में 5 upon 2√2² करना पड़ेगा. अगर आपने ये ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा आपको, तो सब्ट्रैक्ट भी कर दिया भाई मैंने. ओके, और साथ में आपका प्लस 2 दिया हुआ है, है ना. चलिए अब आपका मिल जाएगा dt upon this term रिप्लेस बाई a² + 2ac + b² मतलब a + b² मतलब √2t + 5 upon 2√2² इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. तो भाई सिंप्लीफाई करो तो ये क्या मिल रहा है आपका, ये ऑलरेडी प्लस 2 है, तो 2 - 5² = 25 और 2² 4 × 2 4 × 2 8 क्या मिल गया इधर, 8 एलसीएम आ जाएगा आपका. ओके, और तो 4 × 2 हाँ 8 एलसीएम, तो 16 - 25 तो कितना मिल गया बेटा, 9 ना, तो 9 upon 8 मतलब -9 मिल रहा है आपका. ओके, है ना, तो -9 upon 8 मतलब 3 upon 2√2² मिल जाएगा आपका. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x² - a² क्या होता है बेटा, 1 upon x² - a² 1 upon 2a, है ना. तो 1 upon 2a कितना है आपका, ये है 1 upon 2a. ln mod ऑफ x - a, तो x तो आपका मिल गया √2t + 5 upon 2√2 x माइनस ए अपॉन x + a
प्लस सी। भूलो मत कि अपने को एक्स के कॉपसेंट से डिवाइड भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि रूट टू टी है ना यहाँ पे, तो कॉपसेंट कितना है रूट टू, से डिवाइड करना है तो रूट टू से डिवाइड भी कर दिया, तो ये रूट टू कैंसिल हो जाएगा भाई, ये टू टू कैंसिल हो जाएगा आपका, है ना। तो बचिए आपका 1/3, मैं ये हटा रहा हूँ, ठीक है बेटा। चलिए तो क्या मिल गया भाई आपका 1/3 ln। अब 2√2 तो आपका एलसीएम आ जाएगा, तो 2√2 × √2 मतलब क्या हो जाएगा 4, तो 4t प्लस 5 − 3 अपॉन, अगेन यहां पे मिल जाएगा आपको 4t 5 + 3 प्लस सी। सिंप्लीफाई कर ले बेटा 1/3 ln, तो 4t 5 − 3 = 2 और ये मिल गया 4t प्लस 8 प्लस सी, तो 1/3 को सिंप्लीफाई कर सकते बेटा, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया, ये मिल गया आपको 2t प्लस 1, बोलो सही है ना। चलिए अब यहाँ से भाई, यहाँ से अगर मैंने 2 यहाँ से निकाला आपने, तो 2 यहाँ से भी निकालना पड़ेगा, तो 2 यहाँ से निकाला तो मिल गया 2t प्लस 4 प्लस सी। क्या ये आंसर होगा? बोले नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों भाई? क्योंकि आपका प्रॉब्लम तो सर दिया था इन टर्म्स ऑफ एक्स और आपने आंसर निकाला इन टर्म्स ऑफ टी। तो भाई अब क्या करूं मैं, तो टी रिप्लेस्ड बाई टी, क्या है बेटा आपका टेन एक्स बाई टू था, तो टेन एक्स बाई टू प्लस 1 अपॉन 2 टेन एक्स बाई टू प्लस 4 प्लस सी, दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके छापो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन है भाई आपका, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स अपॉन 13 + 4 sin x प्लस 3 cos x। तो बड़ा डरने वाली बात नहीं है, यहाँ पर सब कुछ वैसे ही दिया गया है, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, जो मैंने बोला स्टेप वाइज आप वो करते जाओ, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है ना। चलो बताओ बेटा क्या लिखोगे आप, 13, सर आपने बोला था साइन एक्स को रिप्लेस करना है, हाँ भाई बोला था, किससे रिप्लेस करना है 2 tan x/2 से, हमने हाँ 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan² x/2, बोलो सही है, हाँ सर बिल्कुल सही है। चलो भाई आगे, प्लस 3 cos² x को आपने बोला था रिप्लेस करने के लिए, cos x को किससे 1 − tan² x, तो 1 − tan² x/2 अपॉन 1 + tan² x/2, ये भी सर मैंने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है और अच्छी बात है। चलिए आगे, अब सर यहाँ पर आप एलसीएम लोगे तो 1 + tan² x आएगा, है ना, तो 1 + tan² x आएगा, तो भाई अब क्या करोगे सर, इतना तो आपने ये भी बताया था सर कि टेन एक्स बाई टू को टी पुट करना है, मेरे बात तुमको याद है भाई, मेरे हाँ सर याद है, तो टेन एक्स बाई टू को टी पुट किए, जब आपको ये याद होगा तो आपको ये भी याद आया होगा कि इसको सॉल्व करने के बाद डी एक्स इक्वल टू 2dt अपॉन 1 + t² आएगा, मतलब बिल्कुल मास्टर जी ये भी याद है। तो चलो डायरेक्टली हम लोग रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस किया तो क्या मिलेगा बेटा अपने को, 2dt अपॉन 1 + t² मिल गया, डिवाइड बाई 13, तो भाई मैं इसको सीधा क्रॉस खेल रहा हूँ, ठीक है, 13 × 1 + t², समझ में आ गया, प्लस 4 × 2 = 8t प्लस 3 1 − t² डिवाइड बाई 1 + t² मिल जाएगा, समझ में आया, थोड़ा सा मन बुद्धि थोड़ा दिमाग लगाओ, चलाओ चलाओ चलो 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 बस पहुंच रहे हो, है ना, 10x/2 = t बोला था, तो t मतलब ये सर t हो गया, तो 2t हो गया, 4 × 2 = 8t हो जाएगा यहाँ पर, है ना, सीधा एलसीएम ले लिया मैंने, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 + t² × 13 हो जाएगा। अच्छा ओके, जब ये समझ में आ गया तो सर ये और ये कैंसिल हो जाएगा आपका, है ना, तो ये कैंसिल हो गया, तो मिल जाएगा आपका भाई बताओ 2dt अपॉन, चलो मल्टीप्लाई करो, तो 13 + 13t² प्लस 8t 3 − 3t², चलो यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं है, है ना। अब सर ये प्रॉब्लम आपका बिल्कुल पहले वाले फॉर्मेट में आ चुका है, क्या आप खुद से करेंगे? चलिए 13t² − 3t² मीन्स 10t² मिल जाएगा भाई, 10t² आ जाएगा और ये आपका 8t
प्लस 80 लिख दो यहां पर, और 13 प्लस 3 इज 16। ओके चलो भाई, यहां पर आपका 2 का थोड़ा ऑफर चल रहा है। 2 का ऑफर क्या चल रहा है भाई, कि भाई 2 बोल रहा है तू मेरे पास आ जा, बाहर निकालो 2। जब 2 तुम बाहर निकालोगे तो मिल जाएगा 5t² प्लस 4t प्लस 8, मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, है ना। अब इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो परफेक्ट स्क्वायर मेथड में, है ना। परफेक्ट स्क्वायर मेथड में इसको कन्वर्ट कीजिएगा और जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा, है ना। सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। चलिए तो आंसर मैं आपको लिख देता हूँ डायरेक्टली। आंसर क्या आएगा आपका, 1/6। आंसर इज 1/6 टेन इनवर्स 5 tan x/2 प्लस 6, सॉरी प्लस 2/6, प्लस 2/6 बेटा, ये आपका फाइनल आंसर आएगा ना। आंसर आप मैच कर लेंगे, मिला लेंगे आने के बाद, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर मेथड में आ चुका है, इसको कन्वर्ट कर सकते हो आप, है ना। चलिए अब आगे लिखेंगे, एक क्वेश्चन और करा दूं मैं इसके ऊपर। क्वेश्चन लिखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स अपॉन कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स। कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स, ध्यान देना बेटा। सर यहां पर कॉस अल्फा जो है, अल्फा कांस्टेंट है क्योंकि अपने को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कॉस अल्फा आपका कांस्टेंट है ना, और कॉस एक्स जो है आपका वेरिएबल है, ठीक है। तो क्या करोगे बताओ, कि कॉस एक्स पहला चीज तो आपको मैंने बताया था, जो चीज है ना कि कॉस एक्स रिप्लेस्ड बाई, जो कॉस एक्स रिप्लेस्ड बाई जो बोला गया आप वो कितना काम करते जाओ पहले, तो रिप्लेस कर दिया है ना, 1 - tan² x/2 अपॉन 1 + tan² x/2। ओके अब सर यहाँ से सेम मेथड में आप चलो आप, है ना, को आपको मैंने बताया था सर टेन एक्स बाई टू को आपको टी पुट करना है, टेन एक्स बाई टू इक्वल टू मैंने टी बोल दिया। इसके बाद आपको सर मिला था डीएक्स इक्वल टू मिला था आपको 2 dt/1 + t² मिला था, ठीक है। चलो यहाँ तक भी कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए आप लोगों को, तो डीएक्स को मैंने रिप्लेस कर दिया 2 dt/1 + t², और ये मिल जाएगा आपका 1 + t² मतलब कॉस अल्फा इंटू 1 + t² प्लस 1 - t² अपॉन 1 + t². बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं, तो ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो प्रॉब्लम मिल गया आपका, बोलिए भाई क्या मिल रहा है आपका, 2 dt अपॉन, है ना, तो कॉस अल्फा आपको ये मिल रहा है, ठीक है। तो आपको लिख लो यहाँ पर कॉस अल्फा, मल्टीप्लाई कर दिया कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा टी स्क्वायर मिल जाएगा भाई, प्लस 1 - t². ओके कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। नाउ 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो dt। अब भाई साहब यहाँ पर टी स्क्वायर दिख रहा है आपको ना, तो टी स्क्वायर अगर मैं कॉमन निकालूँ यहाँ पर तो मिल जाएगा कॉस अल्फा -1 मिल जाएगा, ओके और यहाँ मिल जाएगा आपका 1 + cos α हम बोले हाँ। चलिए अब सर यहाँ पर थोड़ा और एक काम कर लेता हूँ मैं, यहाँ से 2 dt 1 + cos α को तो पहले लिख लेता हूँ, लिख ले भाई कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया, माइनस कॉमन निकालने के बाद आपको मिल गया यहाँ पर t² × 1 - cos α। वेरी गुड। अब सर cos अल्फा इक्वल टू क्या होता है बेटा, 2 cos² α/2। cos अल्फा इक्वल टू क्या होता है, 2 cos² α/2, है ना। तो 2 cos² α/2 और ये मिल जाएगा आपका 2 sin² α/2। वेरी गुड सर, ये 2 कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर दो, पहले कैंसिल कर दो कोई दिक्कत नहीं है, तो कैंसिल कर दिया, 2 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, है ना। तो प्रॉब्लम में बच जाएगा आपका dt upon cos² α/2 - t² sin² α/2। अब सर अगर मैं यहाँ से sin² α/2 अगर मैं कॉमन निकाल लूँ, तो कॉमन निकाल लिया भाई sin² α/2 अगर मैंने अगर कॉमन निकाल लिया तो भाई यहाँ पर मिल जाएगा आपका cot² α/2 - t², समझ में आया, ठीक है। एंड 1 upon cot² α sin² α दिस इज इक्वल टू cosec² α/2। ओके नाउ दिस इज इक्वल टू dt upon cot² α/2 - t², है ना। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon a² - x², ठीक है। चलिए ये छाप लीजिए पहले, तो cosec² α/2 आपका कॉन्स्टेंट है, तो cosec²
अल्फा है बाय टू। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज वन बाई टू ए। ए कितना है बेटा आपका कॉट अल्फा बाई टू, वन बाई टू ए। ओके अब एल एन मॉड ऑफ, ये हटा रहा बेटा ठीक है, एल एन मॉड ऑफ ए प्लस एक्स, मतलब ए मतलब आपका कॉट अल्फा बाय टू प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। यहां तो कोई तकलीफ नहीं है, चलिए वेरी गुड। अब सर ध्यान दीजिएगा सर, कोसेक स्क्वायर कॉट को अगर मैंने यहां पे लिखा है ना, कोसेक को चलो यहां पे आप क्या लिखोगे कॉस अल्फा बाय टू अपॉन साइन अल्फा बाय टू, तो साइन अल्फा आपका ऊपर चल जाएगा है ना, तो यहां पर ये वन अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा बाय टू, टू तो आपका ऑलरेडी पहले से है, और इसको मैंने लिख दिया कॉस को कॉट को कॉस अल्फा बाय टू अपॉन साइन अल्फा बाय टू, तो साइन अल्फा बाय टू आपका ऊपर चल जाएगा और ये मिल गया आपका कॉस अल्फा बाय टू। ये एक कैंसिल हो गया आपका, मटर हो गया है ना। नाउ एल एन कॉट अल्फा बाय टू टी रिप्लेस्ड बाई टेन एक्स बाय टू, टेन एक्स बाय टू प्लस सी। ओके अब यहां पर सर टू साइन ए इंटू कॉस बी मतलब साइन टू ए, तो दिस इज इक्वल टू वन अपॉन साइन अल्फा, साइन टू ए मतलब अल्फा बाय टू, तो टू कैंसिल मतलब ओनली साइन अल्फा ना, तो वही लिख रहा हूं मैंने है ना, वन अपॉन साइन अल्फा एल एन कॉट अल्फा बाय टू प्लस टेन एक्स बाय टू अपॉन कॉट अल्फा बाय टू माइनस टेन एक्स बाय टू प्लस सी, दिस इज योर फाइनल आंसर है ना। और सिंप्लीफाई करना है तो वन अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉसेक अल्फा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ओके लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स अपॉन वन प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस एक्स। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेम टाइप की प्रॉब्लम है ना, यहां पर भी कॉस अल्फा जो आपका कॉन्स्टेंट है एंड कॉस एक्स जो आपका वो वेरिएबल है, ठीक है। सेम मेथड से आप चलेंगे यहां पर, डीएक्स अपॉन वन प्लस कॉस अल्फा, मैं यहां पर अगर लिखूं तो आप लोग कोई तकलीफ नहीं होगी, वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, और डीएक्स को लिख दूं मैं डायरेक्टली टू डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, बोलो भाई सही है। ओके एक स्टेप भाई आगे लिखा है यार, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना यार तुम लोग, यार ऐसे मत करते जाओ है ना। चलो अब तो टू डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, और यहां पर आपका कॉस अल्फा इंटू वन माइनस टी स्क्वायर, और ये वन प्लस टी स्क्वायर वन प्लस टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया आपका है ना। अब यहां से भाई टू बाहर निकाल दिया मैंने, तो टू डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा टी स्क्वायर। ओके तो टू बाहर निकल गया आपका, डी टी अपॉन भाई इन दोनों से तो टी स्क्वायर अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो वन माइनस कॉस अल्फा मिलेगा, और इधर मिलेगा आपको वन प्लस कॉस अल्फा। ओके अब भाई यहां पर वन सेम प्रॉब्लम आ गया यार, वन माइनस कॉस अल्फा क्या होता है बेटा टू साइन स्क्वायर अल्फा बाय टू, वन प्लस कॉस अल्फा टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाय टू, यहां से टू बाहर निकाल ले, टू निकाल के कैंसिल कर दे है ना, तो डी टी अपॉन टी स्क्वायर। अब मैं यहां से अगर बोलूं सर मैं साइन स्क्वायर अल्फा बाहर निकाल रहा हूं तो निकाल लो भाई। ओके तो क्या मिल जाएगा बताओ, टी स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा बाय टू, दिस इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर अल्फा बाय टू, और इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन ए सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है बेटा वन बाई ए, मतलब वन बाई ए मतलब कॉट अल्फा बाय टू, टेन इनवर्स एक्स बाई ए मतलब एक्स कितना आपका टी एक्स बाई ए प्लस सी। ओके कोसेक अल्फा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो अगर आप, तो लिखोगे वन अपॉन क्या लिखो बेटा साइन स्क्वायर अल्फा बाय टू, और यहां पर आपका अगेन साइन अल्फा बाय टू ऊपर चल जाएगा आपका, दिस इज इक्वल टू कॉस अल्फा बाय टू, मर्डर करने की इच्छा हो तो एक मर्डर कर दो यहाँ पे। ओके तो टेन इनवर्स अब इसको क्या लिखोगे भाई है ना, ये टेन क्या हो गया आपका
कॉट अल्फा बाई टू है ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा, टेन मिलेगा। तो क्या लोगे, टेन अल्फा बाई टू इंटू टी प्लस सी। ओके अब ये यहाँ से अगर आप टू मल्टीप्लाई कर रहे हो तो टू मल्टीप्लाई करने के बाद फिर क्या मिलेगा, यहाँ टू डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो टू साइन ए इंटू कॉस ए मतलब साइन टू ए मतलब साइन अल्फा टू साइन अल्फा, टेन इनवर्स टी टेन अल्फा बाई टू प्लस सी, और सिंप्लीफाई करना है तो टू कोसेक अल्फा टेन इनवर्स टी टेन अल्फा बाय टू प्लस सी। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके चलो सर, है ना, तो इस टाइप के प्रॉब्लम को आप डिस्कस कर सॉल्व कर सकते हो, है ना। और इसके बाद फिर आपका एक टाइप बचता है, जो टाइप मैं अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूँगा, मैं बता रहा हूँ कौन सा टाइप है। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ टाइप मैं ले लेता हूं, नहीं तो है ना, ए प्लस बी साइन टू एक्स है बेटा डीएक्स अपॉन ए प्लस बी कॉस टू एक्स है, ए साइन टू एक्स प्लस बी कॉस टू एक्स और डीएक्स अपॉन ए साइन टू एक्स प्लस बी कॉस टू एक्स प्लस सी। इस टाइप के प्रॉब्लम को डिस्कस करना है। ठीक है, इसका मेथड भी लिख लो अभी, जब मैंने लिख दिया टाइप तो करा ही देता हूँ ये भी टाइप, है ना, क्वेश्चंस भी कर लेंगे थोड़ा सा। देखिए अब भाई यहाँ पर भी स्टेप नंबर वन वही बोल रहा हूँ मैं, क्या करना है पहला कि आपको साइन टू एक्स को यहाँ पर रिप्लेस करना है, यहाँ पर हाफ एंगल नहीं लगेगा, यहाँ फुल एंगल लगेगा, तो टू टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स साइन टू एक्स को रिप्लेस कर देंगे। अगर कॉस टू एक्स दिखेगा तो कॉस टू एक्स रिप्लेस करना आप, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ओके, और स्टेप नंबर टू में क्या करोगे आप, यहाँ पर आपको टेन एक्स को टी पुट करना है, तो टेन एक्स को आप टी पुट करोगे तो मिलेगा आपका सेक स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, और डी एक्स इक्वल टू मिल जाएगा आपका डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर मिलेगा आपका, यहाँ पर मिलेगा क्योंकि ये आपका हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर, है ना, इसको इधर धक्का मार दोगे तो डी एक्स रिप्लेस बाय डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, ये मेथड है। ठीक है, इस पे भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। ओके क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन है डीएक्स अपॉन थ्री माइनस फाइव साइन टू एक्स, ध्यान दीजिए साइन टू एक्स रिप्लेस्ड भाई, क्या बोला था भाई कि वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स रिप्लेस करना है आपको और अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, सॉरी साइन साइन थीटा है तो क्या लिखोगे बेटा, टू टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ओके नाउ टेन एक्स को टी बोला था तो डी एक्स इक्वल टू क्या मिला था बेटा अपना डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर मिला था, तो डी एक्स रिप्लेस कर देंगे आप डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर और ये मिल जाएगा आपका थ्री इंटू वन प्लस टी स्क्वायर माइनस टेन टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका बेटा, तो बच जाएगा आपका डी टी। अब ध्यान दो मल्टीप्लाई किया तो थ्री प्लस थ्री टी स्क्वायर और माइनस टेन टी। ओके अब भाई डी टी अपॉन थ्री टी स्क्वायर मतलब रूट थ्री टी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, अब माइनस है तो माइनस टू ए तो आपका रूट थ्री टी मिलेगा, है ना, अब बी बताओ क्या मिलेगा यहाँ पर, तो बी लिखोगे फाइव अपॉन रूट थ्री, तो ये भी ये कैंसिल हो जाएगा तो मिल जाएगा आपका, ठीक है माइनस टेन टी, है ना, तो ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी तो प्लस बी स्क्वायर, तो बी आपका फाइव अपॉन रूट थ्री है तो प्लस बी स्क्वायर प्लस किया तो माइनस भी करना पड़ेगा तो माइनस भी कर दिया और साथ में क्या दिया आपका प्लस थ्री है तो प्लस थ्री लिख दिया। ओके नाउ दिस इज इक्वल टू डी टी अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया बेटा। ओके अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो ये आपका मिल रहा है थ्री माइनस फाइव स्क्वायर मतलब ट्वेंटी फाइव अपॉन थ्री एलसीएम थ्री नाइन माइनस ट्वेंटी फाइव मतलब माइनस सिक्सटीन अपॉन थ्री मतलब माइनस फोर बाई
रूट थ्री का होल स्क्वायर. ओके, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना. तो ये हटा रहा बेटा आपका, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज वन बाई टू ए. वन बाई टू ए कितना है बेटा आपका, फोर अपॉन रूट थ्री वन बाई टू ए. एल एन मॉड ऑफ एक्स माइनस ए मतलब रूट थ्री एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए. तो एक्स प्लस ए प्लस सी. ओके, नाउ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है आपका, रूट थ्री है, ठीक है ना. तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड कर दिया, ये और ये कैंसिल हो गया. तो वन बाई फोर मतलब वन बाई एट एल एन. सिंप्लीफाई कर ले बेटा इसको. सिंप्लीफाई करने पे ये आपका देखो ये कितना मिल रहा है, ये आपका वन है ना, नाइन मिल गया और ये आपका वन मिल रहा है ना. तो इसको और सिंप्लीफाई कर ले, तो रूट थ्री टी, ये माइनस फाइव बाई रूट थ्री और माइनस फोर मतलब माइनस नाइन बाई रूट थ्री, और ये भाई रूट थ्री टी और ये माइनस वन बाई रूट थ्री मिल जाएगा सर प्लस सी. तो वन बाई एट एल एन सॉल्व किया बेटा, थ्री टी माइनस नाइन अपॉन थ्री टी माइनस वन. ओके, नाउ टी रिप्लेस्ड बाई टेन एक्स. तो थ्री टेन एक्स माइनस नाइन अपॉन थ्री टेन एक्स माइनस वन प्लस सी. तो इस टाइप के क्वेश्चन हैं, है ना. तो आप सॉल्व कर सकते हो, ये आपका फाइनल आंसर होगा. ओके, ठीक है. अब इस मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको सॉल्व करने हैं, जो अगर डाउट्स अगर आता है बेटा तो आप डाउट्स पूछोगे. ओके, कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए, इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे. क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, वन अपॉन वन माइनस टू साइन एक्स डी एक्स, वन अपॉन थ्री प्लस फाइव कॉस एक्स डी एक्स. क्वेश्चन नंबर थर्ड, डी एक्स अपॉन फोर माइनस फाइव कॉस एक्स डी एक्स अपॉन टू प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स अपॉन थ्री प्लस टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. ठीक है, और सेकेंड टाइप वाले क्वेश्चन पे आप उसको लिख लेंगे आप, डी एक्स अपॉन थ्री माइनस टू कॉस टू एक्स डी एक्स अपॉन टू साइन टू एक्स माइनस थ्री. क्वेश्चन नंबर एट, डी एक्स अपॉन फाइव प्लस सेवन कॉस टू एक्स. डोंट वरी, लाइट चला गया. एंड वन डी एक्स अपॉन टू माइनस थ्री साइन टू एक्स डी एक्स अपॉन, लास्ट क्वेश्चन है, थ्री प्लस टू साइन टू एक्स प्लस फोर कॉस टू एक्स. ठीक है बेटा, इतने क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे. अगर कोई डाउट्स अगर आता है तो मेरे को डाउट्स पूछोगे. ओके, थैंक यू सो मच.